Hello everyone, welcome to Elite Gurukul. Myself Vipul sir, and today I am going to teach you algebra subject of 10th standard Maharashtra board. So let's start. In the last video we have started chapter number 1, linear equations of in two variables. In this chapter we have started applications of simultaneous equation. Of this topic we have completed 3 examples. Now in this video, today we are going to complete 3 another examples of application of simultaneous equations. तो पहले हमने steps देखे थे कुछ कि steps कैसे solve मतलब इस problem ऐसे problem को कैसे solve किया जाता है. तो step one इसमें 3 step है. पहला step है fix 2 variables. ठीक है, आपको 2 variable fix करने रहेंगे, 2 unknown quantities के लिए जो आपको problem में determine करनी रहेगी, solve करनी रहेगी. फिर हमें simultaneous equations form करना रहेगा, बनाना रहेगा of these 2 variable, यही 2 variable को use करते हुए. ठीक है, और जो condition उधर question में दी गई होगी उसको use करते हुए हमें simultaneous equations form करना रहेगा. एक बार simultaneous equation form हो जाएगा तो आप उसको solve कर लीजिए, solve simultaneous equation जो आपका step 3 रहेगा. एंड बाद में जैसे आपको x और y मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको unknown variables जो unknown quantities जो है वो भी मिल जाएगी. ठीक है, तो हमने कल ये कुछ steps थे और हमने कल 3 एग्जांपल सॉल्व किए थे. ठीक है, तो आज हम देखेंगे अनदर 3 एग्जांपल्स ऑफ वन एक्सरसाइज 1.5. ठीक है, देखो एक्सरसाइज 1.5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं आज. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6. फाइंड द फ्रैक्शन. ठीक है, आज हमें क्वेश्चन निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है. ठीक है, और 2 कंडीशन आपको दी गई है, 2 स्टेटमेंट के फॉर्म में. तो सॉल्यूशन देखते हैं. पहले तो आप लोग क्या करना रहेगा, जो हमारे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसको वेरिएबल फिक्स करने रहेंगे. तो जैसे कि यहां पर दिया है कि द लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई. तो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको हमने एक्स लिया है और डिनोमिनेटर जो अपॉन में रहता है उसको हमने वाई लिया है. तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन वाई. तो देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स अपॉन वाई. अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन simultaneous equations form करेंगे. ठीक है, तो according to condition 1 यानी कि first condition, तो पहली condition के हिसाब से हमें पहला statement देखना रहेगा क्या लिखा हुआ है. the denominator of a fraction, denominator of fraction पूछा है, मतलब y is मतलब equal to रहेगा is equal to 4 more, 4 ज्यादा. ठीक है, then twice its numerator, numerator का double करने पर 4 ज्यादा रहेगा. ठीक है, कौन, denominator. तो हमें पहले क्या करना रहेगा, तो डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या है, वाई है. तो वाई इक्वल टू न्यूमिनेटर कितना, न्यूमिनेटर कौन है, एक्स है, उसका ट्वाइस करना यानी कि 2x हो जाएगा और वो कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो प्लस 4 लिख देंगे. ठीक है, तो देखो कुछ इस तरह से वाई इक्वल टू 2x प्लस 4. तो जो आपका ये न्यूमिनेटर है इज इक्वल टू 4 मोर, कितना, 4 ज्यादा. तो मैंने प्लस 4 लिया है किससे, तो ट्वाइस द न्यूमिनेटर. तो ट्वाइस द न्यूमिनेटर मतलब 2 इंटू एक्स होगा. ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे हमारे simultaneous equation के फॉर्म में. ठीक है, जनरल फॉर्म में तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 2x, ये y वहां जाएगा तो -y हो जाएगा और प्लस 4 वहां जाएगा तो -4 हो जाएगा. ठीक है, तो 2x -y इक्वल टू -4, ये पहला इक्वेशन मिला मुझे, हमें ये पहला इक्वेशन मिला. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6. अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 6 से रिड्यूस करता हूं, मतलब घटा देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं, मतलब आपका न्यूमरेटर x है तो x माइनस 6 हो जाएगा और डिनोमिनेटर अगर y है तो y माइनस 6 हो जाएगा. तो ये करने पर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. ठीक है, जब 6 से घटाऊंगा तब, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा फिर, न्यूमरेटर में क्या लिया, वाई लिया, तो वाई माइनस 6 इक्वल टू कितना टाइम्स न्यूमरेटर, 12 टाइम्स, तो 12 इंटू x माइनस 6. देखो इस तरह कुछ बनेगा, y माइनस 6 इक्वल टू 12 टाइम x माइनस 6, क्योंकि उन्होंने बोला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 टाइम घटाने पर ये जो कंडीशन लिखी है वो अप्लाई कर सकते हो. तो पहले मैंने क्या, पहले हम क्या कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 घटा दो यानी कि 6 माइनस कर दो, माइनस कर दिया, माइनस कर देने पर जो कंडीशन दी है उसको अप्लाई कर दो. क्या बोला है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा फिर, y माइनस 6 होगा. ठीक है, क्योंकि 6 से घटा दिया है, बिकम्स यानी इक्वल टू कितना टाइम्स, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 टाइम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन है फिर, x माइनस 6, जब 6 टाइम घटाऊंगा तब. अब इसको भी हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे,
तो पहले तो 12 जो है इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 12 इंटू एक्स होगा, फिर माइनस 12 इंटू सिक्स होगा, तो 12 इंटू एक्स 12x हो जाएगा, 12 इंटू सिक्स 72 होगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। अब बाद में रीअरेंजमेंट करना है तो हमें कुछ इस तरह से सिमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म होगा, ठीक है। तो देखो वाई को यहाँ लेके जाएंगे, 72 को वहां लेके जाएंगे, तो 12x माइनस वाई हो गया और ये 72 वहां जाएगा, तो प्लस 72 माइनस 6 हो जाएगा, और प्लस 72 में से माइनस 6 गया तो 66 बचते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन मिला, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशन को हम अगर देखते हैं तो y वाला जो वेरिएबल है वो सेम है, देखो यहाँ भी y है यहाँ भी y है, बस दोनों की साइन क्या है सेम है, इधर माइनस है ये भी माइनस है। अब दोनों साइन अगर सेम है तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू, मतलब इक्वेशन वन को मैं टू में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो देखो पहले हमें इक्वेशन टू लिखना पड़ेगा देन वन, और अगर मैंने बताया सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के सारे साइंस क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस टू एक्स है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाई है तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस फोर है तो प्लस हो जाएगा। अंडरलाइन करेंगे ये वाई वाई कैंसिल, क्योंकि अभी सेकंड इक्वेशन की जो साइन है वो ये है, तो माइनस प्लस सॉरी माइनस वाई प्लस वाई ये क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। अब क्या बचेगा 12x माइनस 2x, तो 10x होगा इक्वल टू 66 प्लस 4, तो कितना होगा 70, तो 10x इक्वल टू 70 आया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 यहाँ पर है जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो अपॉन में चले जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो x इक्वल टू कितना आया 70 अपॉन 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 7, इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू मिल गई जो कि क्या है 7 है। अब मुझे ये डिनोमिनेटर जो y है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करूंगा ये x की वैल्यू जो मिली है मुझे उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, तो पहले इक्वेशन 1 लिखा जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 4। अब x की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे 7, तो देखो मैंने x की जगह पर 7 पुट किया, 2 7 14 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 14 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो यहाँ प्लस 14 है वहां जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। तो देखो कुछ इस तरह से बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, खाली ये नंबर का जो 14 नंबर का साइन चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस 14, माइनस 4 माइनस 14, माइनस माइनस प्लस होगा तो 14 प्लस 4 माइनस 18 है। माइनस 18 क्यों है, क्योंकि 14 जो है वो बड़ा नंबर है और उसको आगे साइन माइनस की है, तो आंसर को भी साइन कौन सा है माइनस है। अब इक्वल के इस साइड भी माइनस है, इक्वल के इस साइड भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई इक्वल टू कितना आया 18, इसको हाईलाइट कर देंगे और मुझे डिनोमिनेटर भी मिल गया जो कि कितना आया 18। तो मेरा फ्रैक्शन जो था x अपॉन y, अब उसकी वैल्यू कितनी आएगी 7/18, तो ये मेरा फ्रैक्शन का वैल्यू है x अपॉन y इक्वल टू 7/18। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था जो उन्होंने पूछा था कि फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है। अगर आपको नहीं समझा हो तो वीडियो पॉज करके एक बार लिख लीजिए इसको, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ फोर्थ क्वेश्चन, अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओके फिफ्थ क्वेश्चन, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। अच्छा, हमें यहाँ पर दिए कि दो टाइप ऑफ बॉक्सेस हैं ए और बी टाइप के, उनको ट्रक में रखा जा रहा है और उस ट्रक की कैपेसिटी कितना दिया है 10 टन, ठीक है। व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक। अच्छा, अब यहाँ बोला है कि टाइप ए वाले जो 150 बॉक्स है और टाइप बी वाले 100 बॉक्स है और इन दोनों को हम लोग ट्रक में लोड कर रहे हैं, मतलब रख रहे हैं ट्रक में, तो ट्रक का वजन कितना हो रहा है 10 टन, क्लियर है। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, और जब 260 बॉक्सेस टाइप ए के रख रहे हैं तो इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। तो इतने रखने के 260 बॉक्स टाइप ए के रखने के बाद भी उसमें 40 बॉक्स और टाइप बी आ सकते हैं, मतलब उसमें जगह बची रहती है उसकी, सो दैट इट इज फुली लोडेड, तब जाके वो ट्रक जो है फुल्ली लोडेड हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस, तो हमें क्या निकालना है कि हर बॉक्सेस का वेट निकालना है, सिंपल सा, मतलब टाइप ए वाले जो बॉक्स है और टाइप बी वाले जो बॉक्स है उन दोनों का वेट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, खाली इसमें बहुत सारे वर्डिंग्स दिए हुए तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन अगर वन बाय वन स्टेटमेंट जाएंगे इसको सॉल्व करते हुए तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। देखो पहले सॉल्यूशन करते हैं, तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि उनका वेट जो है ना, हर एक बॉक्स का वेट उसको हम लोग कंसिडर कर देंगे x किलोग्राम और y किलोग्राम। तो जो वेट, देखो लेट द वेट्स ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए, टाइप ए वाले जो बॉक्स है उनका वजन मैं x किलोग्राम ले रहा हूँ, और दैट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप बी, जो बी टाइप का बॉक्स है उसका वजन हम लोग ले रहे हैं y किलोग्राम, ठीक है। तो ए वाले जो बॉक्स है उसका वजन x किलोग्राम लिया मैंने, और बी वाले जो बॉक्स है, बी टाइप वाले बॉक्स जो है उसका हमने y किलोग्राम लिया है,
ये बात समझा सबको। अब यहाँ पे कुछ टन की बात की गई है, ठीक है, 10 टन, ठीक है। तो एक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, याद रखो ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग जो आंसर निकालने वाले वो किलोग्राम में निकालने वाले, ना कि टन्स में निकालने वाले। तो हम लोग जो भी यहाँ पे टन दिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, ठीक है। तो एक टन 1000 किलोग्राम होगा, तो यहाँ पे 10 टन दिया है, तो 10 टन बराबर कितना होगा, 10000 किलोग्राम, सिंपल, ठीक है। तो जहां पर ये 10 टन है, और अगर हम इक्वेशन में यूज कर रहे हैं इस 10 टन को, तो वहां 10 टन नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 10000 नंबर लिखेंगे, 10000 किलोग्राम वाला नंबर ऐड करेंगे, क्योंकि हमको जो आंसर निकालना है वो किलोग्राम में है इसलिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब यहाँ पहली कंडीशन क्या है कि 150 बॉक्स टाइप ए और 100 बॉक्स टाइप बी के जब लोड किए जाते हैं, ठीक है, तो अगर 150 बॉक्स टाइप ए के हैं, ठीक है, तो ए के टाइप का जो वेट था वो कितना था, एक्स किलोग्राम था, और टोटल बॉक्स कितने हैं, 150, तो 150x हो जाएगा, प्लस टाइप बी के बॉक्स कितने, 100 है, और उनका वेट जो है वो कितना है, वाई किलोग्राम, तो वो हो जाएगा 100y। तो देखो 150x प्लस 100y इक्वल टू 10000, 10000 क्यों, क्योंकि दोनों का लोड करने का उनका वजन कितना हो रहा है, 10 टन, टोटल वेट कितना हो रहा है, 10 टन हो रहा है, 10 टन मैंने बोला, अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 10000 लिखेंगे, तो देखो 10000 लिखा हुआ, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसको 50 से डिवाइड करते हैं, ये अब ये इक्वेशन को बोथ साइड, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड में 50, तो ये 50 से इसको 1/50 कर देंगे, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 5 3 15 होगा, यहाँ भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, और यहाँ 50 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 2 10, और पीछे 2 0 बचेंगे, ठीक है, तो आएगा 200। इस तरीके से हमने रिड्यूस्ड फॉर्म में, मतलब बहुत स्मॉल नंबर में हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है कि 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, ठीक है, तब और बाद में भी जगह बच रही, कितने बॉक्स की, 40 बॉक्स की टाइप बी के रखने के लिए, ठीक है, तो 260x प्लस 40y, क्योंकि टाइप बी वाले 40 है तो 40y होगा, और 260 वाले बॉक्स जो ए है तो 260x होगा, तब जाके जो ट्रक है फुल्ली लोडेड हो जाएगा, फुल्ली लोडेड हो जाएगा। अब यहाँ फुल्ली लोडेड का मतलब क्या है कि इस ट्रक की जो कैपेसिटी है वो, तो स्टार्टिंग की पहली लाइन में दिया हुआ है कि ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, 10 टन, ठीक है, तो फुल्ली लोड होने का मतलब क्या हुआ, उसका टोटल वेट 260 बॉक्स और 40 बॉक्स रखने का टोटल वेट कितना होगा, 10 टन ही होगा, ठीक है, तो देखो 260x प्लस 40y इक्वल टू 10 टन, 10 मतलब 10000 किलोग्राम। इसको भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम इसको 20 से डिवाइड करें तो, ठीक है, क्योंकि देखो 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये 13x हो जाएगा, क्योंकि ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 13 2 26 होता है, और यहाँ भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 2 4 2 4 होता है, और यहाँ भी 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 5 10 और बाकी के 2 0 यानी कि 500। तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में दूसरा इक्वेशन भी मिल गया, ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखो 2y सेम है, ठीक है, और उन दोनों की साइन भी क्या है, प्लस प्लस है, ठीक है, प्लस प्लस है, मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, मतलब 1 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सॉरी 1 को 2 में से डिवाइड करेंगे, तो पहले 2 इक्वेशन लिखा जाएगा, फिर 1 लिखा जाएगा, सेकंड इक्वेशन की सारी साइन चेंज हो जाएगी, सबकी प्लस 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 है तो सबकी माइनस हो जाएगी, माइनस करेंगे तो अब देखेंगे कि सॉल्व करेंगे तो देखो प्लस 2y, अब सेकंड इक्वेशन के लिए ये नीचे वाली साइन हम लोग यूज करेंगे तो माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 2y गया, ठीक है। अब यहाँ 13x में से 3x गया तो 10x बचेगा, और 500 में से 200 जाएगा तो 300 बचेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 300/10, क्योंकि x यहाँ 10 अपॉन में चले जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 30, इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे, तो मुझे x की वैल्यू 30 मिली, यानी कि टाइप ए वाले बॉक्स का जो वेट है वो 30 किलोग्राम है, ये मुझे मिल गया। अब निकालते हैं y की वैल्यू, जो टाइप बी वाले बॉक्स है उनका वेट का वैल्यू होगा, तो उनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, देखो इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट करने पर आपको इक्वेशन 1 लिखना पड़ेगा। अब x की जगह क्या लिखोगे, 30, तो 3 × 30, ठीक है, अब 3 × 30 90 होता है, तो 90, अब 90 को हम वहां लेके जाएंगे तो 200 में से 90 चले जाएंगे, क्योंकि तो यहाँ प्लस में वहां जाएगा तो माइनस में, तो 200 में से 90 जाए कितना बचेगा, 110, अब ये 2y है तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y के साथ 2 को वहां लेके जाएंगे तो ये अपॉन में जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, 110/2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 55, तो y की वैल्यू 50 आई, इसको हाईलाइट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी मिली, 55 मिल गया मुझे, और x की वैल्यू 30 है, मतलब टाइप बी का जो बॉक्स था उसका वजन जो है, उसका वेट जो है वो 55 किलोग्राम है, उसको फाइनल आंसर में लिखना पड़ेगा कि therefore the weight of box of type A is 30 kilogram and the that of box of type B is 55 kilogram।
मतलब टाइप ए वाला बॉक्स का जो वजन है वो 30 किलोग्राम है और टाइप बी वाले बॉक्स का जो वजन है यानी कि वेट है वो 55 किलोग्राम है। समझा? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। चलो, सिक्स्थ क्वेश्चन दिया है कि आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। ओके, टोटल डिस्टेंस दिया है यहाँ पर 1900 किलोमीटर। ये पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने दो व्हीकल का यूज किया, यानी एक बस का और एक एरोप्लेन, मतलब एक बस से ट्रैवल किया और एरोप्लेन से ट्रैवल किया, ठीक है। बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे दिया है कि बस की जो ट्रैवल्स एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर है, और एरोप्लेन की एवरेज स्पीड दी गई है, ठीक है। इट टेक्स 5 आवर्स टू कम्प्लीट द जर्नी, और लिखा है कि 5 घंटे लगते हैं उसको ये जर्नी कम्प्लीट करने के लिए जब इन दोनों स्पीड से जा रहा है, ठीक है। बस से इतनी स्पीड जा रहा है और एरोप्लेन से इतनी स्पीड जा रहा है, ठीक है। बोला कि फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। तो विशाल ने बस के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये हमें पता करना है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर है, ठीक है। 1900 किलोमीटर को वो बस से और एरोप्लेन दोनों को यूज करके कवर कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है कि बस से उसने कितना ट्रैवल किया, और कुछ कंडीशंस दी हुई है हम लोग को, उसको यूज करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, पहली कंडीशन तो यही है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना वो बस से और एरोप्लेन से, उसको हम लोग एक्स और वाई ले लेंगे कि उसने बस से कितना किलोमीटर ट्रैवल किया और एरोप्लेन से कितना किलोमीटर ट्रैवल किया। तो बस से जो ट्रैवल करे उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं और जो एरोप्लेन से ट्रैवल किया रहेगा उसको हम लोग वाई मान लेते हैं। देखो, लेट द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस बी एक्स किलोमीटर। तो विशाल ने जो बस से ट्रैवल किया रहेगा डिस्टेंस उसको हम पकड़ते हैं कि लेते हैं हम एक्स किलोमीटर, और बाय एरोप्लेन उसको हम लोग ले लेते हैं वाई किलोमीटर, ठीक है। तो एरोप्लेन से जो डिस्टेंस कवर करेगा वाई किलोमीटर और बस से जो डिस्टेंस कवर करेगा वो एक्स किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर। अब हमने पहले कंसीडर किया कि बस से एक्स किलोमीटर और एरोप्लेन से वाई किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर। तो पहली कंडीशन यही बनती है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1900 किलोमीटर, मतलब बस से कवर किया हुआ डिस्टेंस प्लस एरोप्लेन से कवर किया हुआ डिस्टेंस इक्वल टू टोटल कितना है 1900 किलोमीटर। तो ये हमारा इक्वेशन वन बन गया, सिंपल क्लियर है। अब आते हैं इक्वेशन नंबर टू बनाने के लिए। इक्वेशन नंबर टू बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे कंडीशन दी है कि बस जो है ट्रैवल करती है एवरेज स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर, और एरोप्लेन जो ट्रैवल कर रहा है एवरेज स्पीड से 700 किलोमीटर पर आवर, और उसको विशाल को 5 घंटे लग जाते हैं ये 1900 किलोमीटर कवर करने के लिए, ठीक है। तो हमें ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको 5 आवर्स लग रहा है। अगर मैं पता कर लूं कि अगर बस से उसको कितना टाइम लगा और एरोप्लेन से कितना टाइम लगा, तो मैं उन दोनों को ऐड करके इक्वल टू 5 कर सकते हैं, क्योंकि टोटल टाइम कितना है 5 आवर्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1900 किलोमीटर डिस्टेंस दिया था तो हमने लिखा कि x प्लस वाई इक्वल टू 1900। तो अगर मुझे अगर टाइम के हिसाब से अगर मैं देखूं, ठीक है, तो टोटल टाइम 5 आवर्स लगा है उसको, ठीक है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि बस से उसको कितना टाइम लगा और एरोप्लेन से उसको कितना टाइम लगा, तो उन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, इक्वल टू कितना आएगा 5 आवर्स ही आएगा, क्योंकि उन दोनों को मिला के ही टोटल 5 घंटा लगा हुआ है, ठीक है। तो मुझे खाली क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल बाय बस एंड टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल बाय एरोप्लेन। और इसके लिए हमें यहाँ पर एक हिंट दी है स्पीड की, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक साइंस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ लिखा है। देखो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बस, ठीक है। तो अब देखो, डिस्टेंस भी पता है मुझे, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, एक्स और वाई मैंने लिया हुआ है, बस से वो एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है और एरोप्लेन से वाई डिस्टेंस कवर कर रहा है। और स्पीड उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बस से जो स्पीड ट्रैवल कर रहा है, बस की जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, तो यहाँ बस के लिए यहाँ पुट कर दूंगा, और एरोप्लेन की जो एवरेज स्पीड है वो 700 किलोमीटर पर आ रहा है। तो देखो, देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड टू कवर एक्स किलोमीटर बाय बस, ठीक है। तो जो टाइम लगा विशाल को बस से ट्रैवल करने के लिए, जो कितना किलोमीटर है एक्स किलोमीटर पता नहीं मुझे, एक्स किलोमीटर है, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है एक्स जब बस से ट्रैवल कर रहा है तो, और उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर, तो x अपॉन 60 आर, ठीक है, एक घंटे में लिखा जाएगा, ठीक है, टाइम को, क्योंकि हमको टोटल कितना लगा 5 घंटे लगे। और यहाँ इसका जो ये भी दिया हुआ है स्पीड का जो वैल्यू दिया है उसमें भी देखो अपॉन आर लिखा हुआ है, तो हम लोग भी क्या लिखेंगे यहाँ पर आर लिखेंगे। ये हुआ बस से, एरोप्लेन से कितना लगा, टाइम रिक्वायर टू कवर वाई किलोमीटर बाय एरोप्लेन इज इक्वल टू उसका डिस्टेंस कितना है जब एरोप्लेन कवर कर रहा है, तो वाई डिस्टेंस है,
और उसका एवरेज स्पीड दिया हुआ है 700 किलोमीटर। देखो लिखा है 700, तो वाई अपॉन 700 किलोमीटर, सॉरी वाई अपॉन 700 आर लगेंगे, ठीक है। कितना मतलब ये मुझे ने क्या निकाल लिया कि बस से कितना टाइम लगा एक्स अपॉन 60 और वाई से कितना टाइम लगा वाई अपॉन 700। तो और इन दोनों ये बस से किया हुआ, बस से टाइम लग रहा है और ये एरोप्लेन से टाइम लग रहा है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना है 5 घंटा लगा। तो दिस प्लस दिस यानी कि एक्स अपॉन 600 सॉरी एक्स अपॉन 60 प्लस वाई अपॉन 700 इक्वल टू कितना टाइम लगा टोटल 5 आवर्स। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हम लिख सकते हैं कि x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इक्वल टू 5। ये मैंने किस बेसिस पे लिखा है, टाइम के बेसिस पे लिखा हुआ है, सेकंड कंडीशन टाइम के बेसिस पे मैंने लिखा हुआ है, अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये बस से कवर बस से लगा हुआ टाइम, ये एरोप्लेन से लगा हुआ टाइम, तो दोनों मिला के कितना है 5 घंटा दिया हुआ है, टोटल 5 घंटा लग रहा है, ठीक है, कवर करने के लिए, जर्नी कवर करने के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हमको ऐसा ही कुछ इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने क्या करेंगे, दोनों के अपॉन के अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 700 इंटू एक्स होगा प्लस 60 इंटू वाई और अपॉन में टोटल 60 इंटू 700 हो जाएगा। तो देखो वही हुआ है 700 एक्स प्लस 60 वाई अपॉन 60 इंटू 700 इक्वल टू 5। अब ये 60 इंटू 700 जो अपॉन में है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे अपॉन में, तो यहाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ऊपर वाला टर्म ऐसे ही रहेगा लेफ्ट साइड का जो है वो, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ आता है 2,10,000, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हम उसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये 700 है तो 70 हो जाएगा, 60 है तो 6 हो जाएगा, और ये 2,10,000 तो क्या हो जाएगा 21,000 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन 2 है हमारा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ सॉल्व कर दिया इसको अच्छी तरह से। अब यहाँ पे 6y है और ये सिर्फ y है, ठीक है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ भी क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/6 वी गेट 6x प्लस 6y इक्वल टू 11,400, क्योंकि 1900 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11,400 आता है। तो अब यहाँ पे देखो ये 6y और ये भी 6y और दोनों की साइन भी क्या है प्लस और प्लस, मतलब क्या करेंगे साइन सेम है, मतलब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, इस इक्वेशन को मैं इसमें से माइनस करता हूँ, तो मुझे पहले तो उनके दो इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस सबका प्लस प्लस है सबका माइनस हो जाएगा, अंडरलाइन करेंगे 6y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 70x में से माइनस 6x कितना होगा 64x और 21,000 में से 11,400 गया तो 9,600 बचता है। x की वैल्यू निकालनी है तो x का 64 है वहां जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ 4 नहीं लिखा मैंने, 64 आएगा और x इक्वल टू 9600 अपॉन 9600 अपॉन 64 आएगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उसको तो आंसर आता है 150, कितना आता है 150। तो x की वैल्यू कितनी आई 150, और हमें वही तो निकालना था क्योंकि x किसकी वैल्यू है, डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस, उन्होंने ये पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस, मतलब बस द्वारा विशाल ने कितना डिस्टेंस कवर किया वही निकालना था सिर्फ। तो अभी यहाँ पे आके y निकालने की जरूरत आपको नहीं, अगर यहाँ लिखा रहता कि एरोप्लेन वाला भी निकालो तब हम जाके y का वैल्यू फाइंड आउट करते थे, बट यहाँ पे x ही पूछा है यानी कि बस के द्वारा ही पूछा है और हमने बस वाले को x ही कंसिडर किया हुआ है। तो x की वैल्यू मिल गई 150, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख सकते हैं, therefore the distance विशाल ट्रेवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर, मतलब 150 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर में से टोटल कितना था 1900 किलोमीटर में से 150 किलोमीटर विशाल जो है ट्रैवल कर रहा है, वो किसके द्वारा कर रहा है बस के द्वारा कर रहा है, बाकी जो बच गया सिंपल। अभी y का आंसर कैसे इजीली भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, 1900 में से 150 किलोमीटर माइनस कर दो तो जो डिस्टेंस आपको आएगा वो आपका किस वो विशाल ने किससे कवर किया रहेगा, एरोप्लेन से कवर किया रहेगा, सिंपल है। बट यहाँ पूछा नहीं है तो हम लोग कर ठीक है, पूछा नहीं है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो जो पूछा है आपको फिलहाल उतना आंसर देके क्वेश्चन को आंसर को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे आपके ब्रेन को थोड़ा सा वर्क देना पड़ेगा, थोड़ा और ज्यादा कि चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा साइंस था, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे हिंट दी हुई थी, बस हिंट को आपको समझ गया एक बार तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आज 1.5 ठीक है 1.5 के जो 6 क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में दिए थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, 3 जो है मैंने पहले वीडियो में दिए थे और बाकी 3 जो है आज की वीडियो में मैंने आप कंप्लीट किए हैं, ठीक है। अब मैं आपके लिए कुछ 3 और होमवर्क क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, ठीक है। तो देखो 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वीडियो पॉज करके आप इसके क्वेश्चन लिख लो पहले और बाद में इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि हाँ कि आप मुझे समझ में आपका लेक्चर समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है।
तो देखो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में रीड करता हूँ। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 30, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर इज लेस देन 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर बाय 5, फाइंड द नंबर्स। आपको यहाँ पे नंबर्स फाइंड करने और दो कंडीशन दी गई है, बस उस कंडीशन के हिसाब से आपको साइमल्टेनियसली क्वेश्चन फॉर्म करना है, सॉल्व करो और आपको नंबर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, उस नंबर्स को फिक्स वेरिएबल देने पड़ेंगे, यानी कि स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर को एक्स और वाई ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, आसान है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, सम ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज 60 इयर्स। ठीक है, आफ्टर 15 इयर्स मदर्स एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हर डॉटर्स एज एट दैट टाइम, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, ये भी देखो एज वाला एक क्वेश्चन है कि मदर और एक डॉटर का प्रेजेंट एज आपको निकालना है और आपको दो कंडीशंस दी गई है, तो पहले आपको यही लेना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, उनको वेरिएबल फिक्स करना पड़ेगा कि मदर का और डॉटर का प्रेजेंट एज जो है एक्स और वाई ईयर से रिस्पेक्टिवली, ऐसे करके फिर आपको जो दो कंडीशन दी गई है, फर्स्ट कंडीशन ये वाली है और सेकंड कंडीशन ये वाली है, कंडीशन यूज करके साइमल्टेनियसली क्वेश्चन फॉर्म कीजिए। जैसे ही फॉर्म हो जाते हैं उसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई तो अननोन क्वांटिटीज जो है वो भी आपको मिल जाएंगी। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। The perimeter of an isosceles triangle is 30 cm. The length of its congruent side is 3 cm more than its base. Find the length of all sides. Okay. यहाँ पर आपको isosceles triangle का example दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? Length of all sides. Isosceles triangle की तीनों side का value आपको निकालना है। तो ये थोड़ा tricky question है, but simple है। आप try करो, समझ में आपको आएगा आएगा, अगर आपने अच्छे से practice किया हुआ है तो। ठीक है, बाकी आइसोसेलेस ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी आपको यहाँ यूज करनी पड़ेगी, तो आपको ये सॉल्व करने में आसान होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट देखकर आपका आंसर आपको आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कम्प्लीट करता हूँ, और अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उसको, और हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है लीड गुरुकुल उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बाजू में जो बेल आइकन दिखेगा उस बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक करोगे तो आपको जो हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।